के यहाँ गंदुम ही गंदुम है सारी, जहाँ भी जहाँ तक नजर जा रही है ना सब्जा हरियाली और गंदगी। अब तो आसम भाई बाइक निकाल रहे हैं, अब गीले वाला जाना, गीले वाला शहर, गीले वाल जी, कोई गीले वाल कोई गीले वाल जाते हैं हम शहर, कभी खाते हैं कुछ शहर। खाओ पियो घूमो फिरो, हाँ इंजॉय करो, ये ज़िंदगी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बड़ा इसको लाइक करता हूँ, इस गाँव की लाइफ को। चले रही जिंदगी तो यहाँ भी रही। माशाल्लाह 7-8 बजे का टाइम है, हम सुबह 6 बजे उठे हैं, हम सुबह 6 बजे उठे हैं असम से ना। ये पंप शंप क्या बात है, ऐसा है जैसे आप यकीन माने कि घर का माहौल ही। अस्सलाम वालेकुम, तो खान बाबा गैंग व्लॉग एक नई वीडियो के साथ हाजिर है, और आसिम भाई भी हमारे साथ ही हाजिर हैं। जी हाजिर हैं आप भी? जी हाजिर हैं सर। जी हम सफर करके मुल्तान से आगे एक गांव में वहां आए हैं, तो गांव में अब बच्चे हमें घुमा रहे हैं, ये बच्चे को सारा पता है, मुझे कुछ नहीं पता, पर हमें ये पता है कि यहाँ गंदुम ही गंदुम है सारी, जहाँ भी जहाँ तक नजर जा रही है ना सब्जा हरियाली और गंदुम ही गंदम है। अब आपको दिखाते हैं और आप देखिए बताए कैसा लग रहा है, ये देखिए जरा जिस तरफ भी नजर जाती है, जिस तरफ आप देख सकते सब्जा हरियाली और गंदम ही गंदम है, इतनी गंदम है। आप पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान एक गरीब मुल्क और कर्जई मुल्क है, ये हम वले में जा रहे हैं, यहाँ नहर का पानी आता है, तो भाई आगे देखते हैं, आगे जाके दिखाते हैं आपको आगे क्या सूरत हाल बनती है। बहुत हैवी इंजॉय हो रहा है, और सुबह सफ़र भी करके आए हैं, हैवी वाला सफ़र, और सिंधी चादर डाली हुई है, ठीक हो गया जी। तो अब हम घर आए हैं आसिम साहब, और हम अब हमने कहा खाने का इंतज़ाम करें, तो आगे इन्होंने हमें कहा मुर्गियाँ हैं, आपको मुर्गियाँ खेल जो से को पसंद है वो पकड़े और उसको हिला के खाते हैं जी। असल में कोई नहीं पसंद आपको मुर्गी की, देख लेते हैं सर जो बेहतरीन लगी, जो वो देसी माहौल है ना, ये पंप शंप क्या बात है, ऐसा है जैसे आप यकीन माने कि घर का माहौल, दिल पुरसकून। ये बच्चा हुआ है छोटा सा, ये बकरी का, इसको पकड़ते हैं, ये देखिए, और बड़ा ही खूबसूरत तरीन माहौल है, ये इधर देख रहे हैं आसिफ साहब, ये देखे जी, ये ले सर, ये ठीक है, हमने इसको पकड़ लिया है, ये देखिए, इसको ना कर दे मुर्गी की जगह, नहीं यार ये अभी छोटा बच्चा है यार, ये देखो ये उंगली खा रहा है अभी, इसके दांत नहीं है छोटे छोटे चलेंगे। चले फिलहाल बहुत ही माशाल्लाह अच्छा लग रहा है गाँव में, बहुत ही प्यारा सादा सा माहौल, बड़ा ही प्यारा माहौल है, बहुत ही मुझे पसंद आया जी। अब तो आसिम भाई बाइक निकाल रहे हैं, अब गीले वाला जाना, गीले वाला शहर, गीले वाल जी, कोई गीले वाल कोई गीले वाल जाते हैं हम शहर, कभी खाते हैं कुछ शहर कैसा है। तो कपास के सारा है, कपास वो सामने गंदुम का सारा है। चले चले आसिम भाई, चले ही बैठे, चले ही, ये बच्चा भी हमारे साथ ही है, चलते हैं, चले आसिम भाई, लो ही हम स्टार्ट। अब आपको वहाँ जाकर दिखाते हैं क्या सब है, और ये हमारे लाहौर से तोहफा लेके इनके लिए इन्होंने हमें पेश कर दिया, अब ये भी खा पी रहे हैं, ये मज़ा है, हरियाली बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, खुला इलाके में हरियाली, आप देख सकते हैं जहाँ तक नजर जाती है हरियाली, और ये मकान मुझे बहुत पसंद है, छोटे छोटे कच्चे मकान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्या बात है, सुकून ज़िंदगी का यहाँ है, असल सुकून ज़िंदगी का आपको यहाँ मिलेगा। जी तो गीले वाला शहर में आके हमने 2 लीटर पेट्रोल साड़ के, और इस बच्चे के कहने पर रेलवे स्टेशन आया जी। हाँ जी रेलवे स्टेशन देखना, बच्चे के लिए देखने गए। हाँ जी असन साहब, स्टेशन कैसा लग रहा है आपको? स्टेशन अच्छा लग रहा है, अभी रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, अभी आती है तो फिर देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। खड़ा तो उसने होना नहीं मर लिए, इतने हम प्राइम मिनिस्टर के बेटे थोड़ी हैं, ये सामने देख सकते हैं आप, ये देखें लिखा हुआ है। अच्छा आप शहर खूबसूरत सफाई के लिहाज से बहुत अच्छा है, वो सामने एक इमारत है, अब वो मस्जिद आई थिंक वो भी प्यारी सी मंजिल है, उसका पता नहीं अभी, पर फिलहाल अभी ट्रेन का हम करते हैं हिसाब किताब, इंतज़ार करते हैं इसे कहने पे, ट्रेन देखते हैं, वैसे भी फ्री हैं, खाओ पियो घूमो फिरो, हाँ इंजॉय करो, ये ज़िंदगी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बड़ा इसको लाइक करता हूँ, इस गाँव की लाइफ को। चले रही ज़िंदगी तो यहाँ भी रहेंगे इंशाल्लाह। वॉलीबॉल खेलने के बाद हम रात को थकावट की वजह से, खेल चील की वजह से अंधेरे में हमने कहा चलो ये अब थकावट की वजह से रेस्ट करते हैं, और अब सुबह हो गई है माशाल्लाह 7-8 बजे का टाइम है, हम सुबह 6 बजे उठे हैं असम साहब
जो कभी शहर में बिल्कुल भी नहीं, 12 बजे से पहले उठे नहीं है, 12 बजे सुबह 6 बजे उठे हैं और नाश्ता हैवी लगी है, धूप फुल निकल रही है और सोने के पास खड़े। ये आपको सोना दिखाते हैं हम सारा, जो हमारे इधर देखा सोना ऑल टू ऑल सोना। अभी हमने आपको एक सरप्राइज ही देना है। हाँ जी, ऐसा सरप्राइज देने के लिए रेडी है? देने हैं, क्यों नहीं सरप्राइज देंगे। रात को हमने एक सरप्राइज दिया, हमारी हमारी हम खुशकिस्मत है। एक जगह हमारी, हमारे से पहले भी एक जगह ऐसा हुआ है, वहाँ गए वहाँ उनको सरप्राइज मिला, आज सरप्राइज मिला। चले आपको सरप्राइज दिखाते हैं, ठीक हो गया। और सुबह का टाइम, धूप बहुत मज़ेदार लग रही है, बहुत ही प्यारा लग रहा सीन मंजर है। और अब चल के आपको सरप्राइज दिखाते हैं, सरप्राइज क्या है, ठीक हो गया जी। तो सरप्राइज के लिए हम आ गए हैं। सरप्राइज़ ये है कि क्या नाम है, आपने हमारी वीडियो में देखा होगा स्टार्ट में कि यहाँ जो थे वो दो थे बच्चे बकरी के, ये देखे दो। और ये माशाल्लाह रात को नया आया, सब इसको लेकर आए जरा बाहर की तरफ। ये रात को नया आया जी माशाल्लाह, ये हमारा तोहफा हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास तोहफा आया है। ये बिल्कुल रात को नया आया, पी पी कर रही है, तंग कर रहे इसकी मम्मा के पीछे। और ये रात को जब हम आए तो बकरी ने एकदम बैसा किया, हमने कहा देखते क्या हो, देखा तो जी एक तोहफा नया आया, एक नए मेहमान आया। अब आप बताइए नए मेहमान आपको कैसा लगा और हमारा गांव की व्लॉग आपको कैसा लगा। हमारे इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि आपको हमें भी पता लगे हमारी हौसला सही हो रही है। और नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।